हेलो गाइस, दिस इज एलीट ट्रेडर्स एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अफगानिस्तान। अगर कोई आपसे ये कहे कि वो आपको अफगानिस्तान पूरा समझा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। अफगानिस्तान को समझना बहुत मुश्किल है, पर मैं आपको कुछ सीरीज ऑफ इवेंट बताने वाला हूँ जिससे आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा अफगानिस्तान के सिचुएशन का। लेकिन उसके पहले आपको अफगानिस्तान की हिस्ट्री को ब्रीफ में जानना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान को आज तक कोई फुल्ली डोमिनेटली कंट्रोल नहीं कर पाया। कुछ ही एम्पायर्स आज तक अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर पाए हैं, और वो भी पार्शियल ही कहूंगा मैं, जिसमें मुगल्स, इंडिया का मौर्य एम्पायर, मंगोलिया का मंगोल्स और कुछ हद तक अलेक्जेंडर कंट्रोल कर पाए थे। और ये भी तब पॉसिबल हो पाया जब बाकी ट्राइब्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा के शांत रखा गया और बाकी मेजर ट्रेड और पॉपुलर सेंटर्स को कंट्रोल में रखा गया। अफगानिस्तान को अलेक्जेंडर, मौर्य, मुगल्स, मंगोल्स सब ने जीतने की कोशिश की, पर वो कभी भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। पर ऐसा हुआ क्यों? इसके तीन रीजन कहे जा सकते हैं। पहला, क्योंकि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, इंडिया और ईरान के ट्रेड रूट पर पड़ता है, इसकी वजह से इस पर कई इन्वेजन हुए और यहाँ कई ट्राइब्स आके सेटल हो गई। अब क्योंकि इन ट्राइब्स की एथनिसिटी, लैंग्वेज और कल्चर अलग अलग थे, तो ये जेलप हो ही नहीं पाए कभी, और ये एक दूसरे के लिए और आउटसाइडर्स के लिए हॉस्टाइल हो गए। दूसरा, इस हॉस्टिलिटी के कारण एक और डेवलपमेंट हुआ जिसका मेंशन स्कॉट गेट्स और कौशिक राय की बुक में है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि अफगानिस्तान में हर घर एक फोर्ट्रेस की तरह बना है। ये बड़ी आम बात लगे आपको, लेकिन अगर ऐसा स्ट्रक्चर का पूरा एक विलेज हो तो महीनों लग सकते हैं इन्हें क्लियर करने में। यही दिक्कत वेस्टर्न फोर्सेस को कभी समझ ही नहीं आ पाई। तीसरा, अफगानिस्तान का टेरेन। अफगानिस्तान में दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और लंबे पहाड़ हैं, जो इसे किसी भी इन्वेडिंग फोर्स के लिए एक नाइटमेयर बना देते हैं। और फिर हर जगह एक्सट्रीम हार्डकोर ट्राइबल फाइटिंग फोर्सेस तो आपके स्वागत के लिए है ही। और आज सिचुएशन बदली तो बहुत है, लेकिन हिस्ट्री के वो ग्लिम्स आज की सिचुएशन में भी देखे जा सकते हैं। जैसे तालिबान, आईसिस और अलकायदा मिलकर अफगान नेशनल आर्मी से लड़ रहे हैं, वैसे ही जो मुजाहिदीन हैं जिन्होंने सोवियत को बाहर निकालने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, वो अफगान नेशनल आर्मी के साथ खड़े दिखते हैं। पर ये सिचुएशन और इक्वेशन बहुत जल्दी और कभी भी चेंज हो सकती है अफगानिस्तान में। कौन किसकी साइड है ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी की लॉयल्टी फिक्स नहीं है। जैसा कि पास में हमने देखा कि ट्राइब्स को शांत रखा जाता था रिसोर्सेज के साथ, वैसे ही मॉडर्न डेज में वही ट्राइब्स ने वॉरलॉर्ड्स की शक्ल ले ली। वॉरलॉर्ड बेसिकली वो आदमी होता है जिसकी खुद की एक आर्मी होती है और वो इस एरिया को डोमिनेट और प्रोटेक्ट करता है। ये बात ब्रिटिश बहुत जल्दी समझ गए थे ड्यूरिंग देयर वॉर इन अफगानिस्तान इन 1839 to 1842। तब उन्हें ये सीखने को मिला कि अफगानिस्तान में लोकल लीडर विद पॉपुलर सपोर्ट इज मच मोर पावरफुल देन अ लीडर विद फॉरेन फंडिंग एंड पावर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ताकतवर है। पर आयरनी ये है कि जब नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थे, तब वहाँ पे ब्रिटिश भी ऑपरेट कर रहे थे। फिर भी ब्रिटिश ने अपने एंसेस्टर्स की लर्निंग को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाए। अमेरिकन का हाल तो इतना बुरा था कि उनके जनरल्स तक को नहीं पता था कि किस चीज को अफगानिस्तान में वो लोग विक्ट्री कंसिडर करेंगे। ये मैं नहीं, उनके सोल्जर्स कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। I'm Peter Martuniak. I was in Afghanistan twice in 2011 and 2013 with the 3rd Battalion, 4th Marine Regiment. I was a rifleman. I would say it's time, past time for the war to end, frankly, because we never really had any end state set up. There was, in wars past, there's always an end state. In World War II, it was the surrender of the Nazi and the Japanese empires. And this time, even the top general has a hard time of saying what victory is supposed to look like. And if you can't tell us what victory even looks like, how can there ever be a victory? So if you don't really have a path to ending a war, well, it's then you just have to end it. You got to put a stop to it, regardless of whether you think you won or not. अब बात करते हैं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे सिचुएशन का क्या फर्क पड़ना है, प्लस जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पे क्या असर पड़ सकता है। जब हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान, चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस को आप तीन फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, कल्चरल, इकोनॉमिक और मिलिट्री। इंडिया और अफगानिस्तान का कल्चरल रिलेशन बहुत ज्यादा पुराना है, महाभारत के समय से चला आ रहा है, जहां महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी कौरवों की मां गांधारी गांधार की राजकुमारी थी, जो प्रेजेंट डे कांधार के नाम से जाना जाता है। इंडिया और अफगानिस्तान कल्चरली काफी सेम है, डाइवर्स पॉपुलेशन जो एक बड़ी ज्योग्राफी में फैली हुई है। इकोनॉमिकली अफगानिस्तान को इंडिया ने काफी एड दिया और इंडिया की काफी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या फिर कोविड के टाइम पे फूड ग्रीन्स की सप्लाई। इंडिया हमेशा से अफगानिस्तान का एक दूसरों से बेहतर दोस्त बन के उभरा है। नाउ मिलिट्री, अफगानिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं,
दोनों देश हर साल जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं क्योंकि दोनों ही देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमने कई रिपोर्ट्स देखी जिसमें ये स्पेकुलेट किया गया कि तालिबान इंडियन इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, और ऑलमोस्ट हर बार ये स्पेकुलेशन पाकिस्तानी मिलिट्री से ही आती दिखती है। और ऐसी रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन मेड सलमा डैम पे एक हमला हुआ 16 जुलाई को, सिक्योरिटी पोस्ट पे खड़े लोगों को मारा गया और डैम पे मोर्टार्स फायर किए गए, लेकिन एक भी मोर्टार ने डैम को हिट नहीं किया। रिपोर्ट ऐसा किया गया कि तालिबान ने इंडियन मेड डैम पे हमला कर दिया है, लेकिन तालिबान के स्पोक्स पर्सन जबीहुल्ला मुजाहिद ने कैटेगोरिकली डिनाई करते हुए कहा कि उनका इस अटैक में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर ये अटैक अगर तालिबान ने नहीं किया तो किया किसने, उसके लिए आपको की इस रिपोर्ट को देखना होगा जिसमें साफ लिखा है कि आईएसआई ने इंस्ट्रक्ट किया है कि हर उस प्रोजेक्ट को टारगेट करो इंडिया के जिससे अफगानिस्तान का भला होता है। यहाँ पे कौन जीत रहा है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि एक तरफ एक देश है जो ज्योग्राफिकली कनेक्टेड है अफगानिस्तान, जिसने तालिबान को शेप लेने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया हो और तालिबान में काफी इन्फ्लुएंस रखता हो, और दूसरी तरफ इंडिया है जो फिलहाल ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है अफगानिस्तान से और हमेशा से काफी लिमिटेड प्रेजेंस रखे हुए है, लेकिन फिर भी वहाँ के आवाम में सबसे पॉपुलर देशों में से एक है। और असली जीत इंडिया की तब होती है जब तालिबान खुद ये स्टेटमेंट देता है कि वो अफगानिस्तान में एंटी इंडिया एक्टिविटीज को नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि यहाँ पे सीधी बात है लेवरेज की। हमेशा से ये समझा जाता था कि तालिबान को पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, पर तालिबान ने ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल डिक्लेयर कर दी थी जब अप्रैल में होने वाले यूएस तालिबान टॉक्स में वो नहीं गए इन इस्तांबुल। एक लेवरेज था पाकिस्तान का इस कॉन्फ्लिक्ट में, वो भी चला गया। वही अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया इज ऑलरेडी सपोर्टिंग अफगानिस्तान लाइक नो अदर नेशन, और इंडिया इकोनॉमिकली काफी कुछ मदद कर सकता है आगे भी, भिखारी तो पैसे देने से रहे। तालिबान अपना 90s वाला हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड लेते नहीं दिख रहे हैं। अभी तक जो भी डेवलपमेंट देखा गया है उसके अकॉर्डिंग तालिबान अफगानिस्तान को गवर्न करना चाहते हैं, और इसमें इंडिया उनकी काफी मदद भी कर सकता है क्योंकि इन द एंड वी वांट पीस देयर। लेकिन सबसे बड़ा इंडिया का लेवरेज उसकी गुडविल नहीं है बल्कि उसकी डिप्लोमेसी है। इंडिया फिलहाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्रूशियल तालिबान एंड लीबिया सैंक्शन पैनल ऑन काउंटर टेररिज्म कमेटी का हेड है। तालिबान को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आने के लिए और फ्रीली ऑपरेट करने के लिए यूएन के सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे, और ये सिर्फ इंडिया कर सकता है उनके लिए। इन द एंड मेरा एक स्पेकुलेशन है इस पूरी सिचुएशन को लेके। अभी अफगानिस्तान में जरूर काफी टर्मोइल है, लेकिन ये अफगानिस्तान का फेट रहा है हजारों सालों से। अफगान अभी खुद एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई मेजरली बहुत ज्यादा लंबी चलती दिख नहीं रही मुझे। छोटी झड़पें होती रहेंगी, लेकिन जब ये शांत होगा तब एक पर्टिकुलर देश में वायलेंस इतनी बढ़ जाएगी कि वो उसे कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, और शायद ये गलती उनकी फाइनल नेल इन द कॉफिन भी हो सकती है। वजीरिस्तान और फाटा में आए दिन इस देश के आर्मी के जवान और अफसर 72 होते रहते हैं। ये पाश्तून बेल्ट में पड़ने वाले ही एरियाज हैं, वही पाश्तून्स जो नेटिव हैं अफगानिस्तान के। लोग काफी खुश हो रहे हैं कि यूएस ने एक डील साइन की है उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ, पर मेरा ख्याल ये है कि वो डील सिर्फ पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करने की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूएस अपने ड्रोन्स उज्बेकिस्तान से ऑपरेट करने का प्लान कर रहा है इन अफगानिस्तान, प्लस यहां से वो चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे काफी बेहतर नजर रख पाएगा। रही बात कश्मीर में दिक्कत बढ़ने की, तो कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, हम पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड विजिलेंट है। आई होप आपको ये वीडियो, जो कि एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है, उस हिसाब से इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।